गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। एज यू नो अवर एट्थ चैप्टर इक्वेशंस इज रनिंग। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज 8C स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंदर देखिए हम क्या मतलब स्टेटमेंट गिवन है, राइट एज एन इक्वेशन एंड सोल्व। आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, इनकी सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद इसे सोल्व करना है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 9 इज 18। आपके पास एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता क्या है, उसमें से यदि हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। तो आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये नंबर हमने लेट किया है इसमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 18। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 9 इज इक्वल टू 18। अब इसे सोल्व कैसे करना है, तो आपको पता ही है हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो इसके अंदर ये जो माइनस 9 है ये राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस में 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 में जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर है उसकी वैल्यू है 27। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 15। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड की बात आए तो प्लस कर देंगे और डिक्रीज की बात आती है तो माइनस कर देंगे, इज 15। तो वो किसके इक्वल है, 15 के। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो प्लस 5 है आपको पता है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड की क्या स्टेटमेंट है, 8 लेस देन द नंबर इज 31। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर भी x, x लेट कर लेंगे और इसमें से 8 लेस करेंगे। तो देखो x माइनस में 8 इज इक्वल टू 31, 8 लेस देन द नंबर इज 31। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 31, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31, माइनस 8 उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें x की वैल्यू 39 आएगी और जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x माइनस 8 इज इक्वल टू 31। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या है, 6 टाइम्स द नंबर इज 54। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 टाइम्स That number is equal to 54। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और हमें अभी इसे सोल्व करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 54 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कट कर रहे हैं 9, तो x इज इक्वल टू 9। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 9। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की क्या स्टेटमेंट है, फिफ्थ में देखिए, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिजल्ट इज 18। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा नंबर है उसको हमने डिवाइड करना है 3 से और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको रूल पता ही है जो डिवाइड में हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 18 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या होगा, 54। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड ए नंबर इक्वल 63। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ और वो इक्वल होगा 63 के, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 63 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे 7, तो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की, 6 लेस देन ए नंबर इक्वल्स माइनस 4। तो इसके अंदर भी हमें वही करना है, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें 6 लेस देन करना है किस में से, उस नंबर में से, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। तो आप देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई है, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसे सोल्व कैसे करना है, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो माइनस 6 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 प्लस में 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए ये एक साइन माइनस है
और दूसरा साइन प्लस है। तो आपको पता है अच्छे से जब एक साइन माइनस हो दूसरा प्लस हो तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और जो इसमें से नंबर बड़ा है उसके सामने वाला साइन हम यूज़ करते हैं। तो 6 ग्रेटर देन है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या स्टेटमेंट है 8 की, द नंबर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 7। तो वही लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7। तो अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, तो 7 6 जा 42। तो इस तरह से हमारे पास 8th क्वेश्चन की जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या स्टेटमेंट है, 4 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 20। किसी नंबर का 4 टाइम्स जो है वो 20 का इक्वल है, तो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स ऑफ नंबर 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो आपको बताना है व्हाट इज नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 5। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्या स्टेटमेंट है, 15 लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाई सुनील इज 55। हाउ मैनी मार्क्स डिड सुनील स्कोर, तो लेट सुनील स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 लेस देन, तो इसमें से आप 15 लेस देन कर दोगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारा जो आंसर है वो सुनील का जो स्कोर है 15 लेस करने के बाद क्या रह जाता है, 55। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, अब इसे सॉल्व करना है, तो 55 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70, तो 70 मार्क्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सुनील स्कोर्ड 70 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखिए 11th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, 1/6 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीयूष इज 20 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीयूष। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें लेट करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पीयूष ने, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीयूष इज x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/6 कैसे लिखेंगे हम, 1/6, तो 1/6 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पीयूष, तो ट्रेवल कितना किया है x, तो x का 1/6 किसके इक्वल होगा, 20 किलोमीटर के। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो x के अपॉन में क्या है 6, 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम, दस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पीयूष इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 300 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी हमें लेट करना होगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर मिनट में होगी। अब इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड, तो देखो 5 टाइम्स किसका, स्पीड का, स्पीड हमने x लेट की थी, इसका 5 टाइम्स करना है और वो किसके इक्वल होगा, 300 किलोमीटर पर आवर के। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 300 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर, इसको इससे कट कर देंगे 60, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए जो स्पीड होगी ट्रेन की वो किसके इक्वल हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13th, 25 ईयर्स एगो मीन्स 25 साल पहले माई एज वाज 49 ईयर्स, मेरी जो एज थी वो 49 ईयर्स थी, 25 साल पहले की बात है ये। हाउ ओल्ड एम आई नाउ, तो अब आपको बतानी है कि मेरी एज क्या है, वेरी सिंपल है, 49 में आप 25 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको लिखना कैसे है, लेट my present age is equal to x years, 25 years ago my age is equal to x minus 25 years, but 25 years ago my age was 49 years
ये गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 25, ये क्या है एक्स माइनस 25, ये भी 25 ईयर्स एगो एज है मेरी, और 49 क्या है, ये 25 ईयर्स एगो एज थी. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल है, सेम है. तो इस तरह से ये हमारी एक तो इक्वेशन बन जाएगी, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 49. फिर इसे हमें सोल्व करना है, तो एक्स की वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, 49 प्लस में 25 कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 5 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 74 ईयर्स. तो माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 74 ईयर्स. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है. इफ ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 5200, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी. आपको बताना है लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं. तो अब सबसे पहले ये देखिए, लेट नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स, तो देखो नंबर ऑफ बुक्स एक्स हैं और इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस कर दोगे तो टू से मल्टीप्लाई करने तो टू एक्स हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 5200. तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है. अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 5200 अपॉन 2, इसको कट कर देंगे तो 2600. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 2600, मतलब 2600 बुक्स. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15th, देखिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है. हाफ द लेंथ ऑफ गार्डन इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन. इसके अंदर ये देखिए, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज एक्स मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द लेंथ, तो देखो लेंथ x है, इसका हाफ किसके इक्वल है, 15 मीटर के इक्वल है. तो आपको बतानी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 मीटर. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 30 मीटर. तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है. थैंक यू.